स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल हेल्प में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे रिचार्ज भी कर सकेंगे और उसी से कुछ पैसा रिटर्न भी पा सकेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। ठीक है, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये कि आप अपने मोबाइल से, मैं जो बताने जा रहा हूं उस प्रक्रिया से, आप अपने मोबाइल से जो भी रिचार्ज करेंगे तो रिचार्ज तो हो ही जाएगा, उसके बदले में कुछ पैसा भी आपको रिटर्न मिल जाएगा। वो कितना पैसा वो डिपेंड करता है कि आपको जो है किस तरीके से पैसा वो लोग दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन पैसा बहुत हद तक वापस होता है। मेरा कितना होगा मैं आपको वो पहले दिखा देता हूं, ठीक है, और फिर आपको जो है प्रोसेस कैसी करनी है वो आपको बताता हूं। तो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से जो है मेरा पैसा वापस आया है, कितना आया हुआ है। ठीक है, तो पहले मैं इस एप्स के बारे में बता दूं, क्योंकि इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि इससे पैसे भी जो है वापस आते हैं, मुझे भी पता नहीं था। लेकिन तब मेरे एक बार नहीं, मैंने 5 बार लगभग रिचार्ज किया था, कुछ लोगों का मैंने अपना किया था और 1-2 लोगों का और किया था, तो मुझे पैसा रिटर्न किया। तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है। तो फिर उसमें जो है मैसेज दिया हुआ होता है कि ये पैसा आपको जो है कैशबैक मिला है, तो ये कैशबैक तुरंत ही मिल जाता है। ठीक है, जैसे ही रिचार्ज करोगे आपको 1 मिनट में पैसा वापस काफी हद तक कर देते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा रिचार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले आपको दिखा देते हैं क्या रिचार्ज है, किस तरीके का है। ठीक है, तो हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर और यहां पर आपको दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से, कि यहां पर आपको जो रिवर्ड दिख रहा है, देखिए मैंने रिचार्ज करने की, मैं आगे बताऊंगा, रिवर्ड मैंने देख सकते हैं आप, मेरा 14 रुपए और 7 रुपए कैशबैक है। ये मेरा आज मैंने एक जो है दोस्त का था, उसका मोबाइल रिचार्ज किया था, तो ये मुझे सिर्फ उसका मिला है। और पिछले मैंने आपको नहीं दिखा पाया, क्योंकि पिछले तो मैं समझ पाता, तब तक तो मैंने वो यूज ही कर लिए थे, मुझे समझ में नहीं आता कि ये पैसा आ कहां से रहा। तो मुझे ये आप देख सकते हैं, ये 14 रुपए का और ये 7 रुपए का मुझे कैशबैक मिला है। ठीक है, तो काफी हद तक मिलता है। मैंने यानी कि मुझे लगभग पहले, इसके पहले 21 रुपए जो दिख रहे हैं, इसके पहले लगभग मैंने 60 रुपए मुझे कैशबैक मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब इसको यूज करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। और दूसरी सुविधा यह है कि आपको कहीं जाना नहीं है, कोई बड़ा अकाउंट नहीं बनाना है, सिंपली बड़े ही जो है आराम से आप घर बैठे रिचार्ज कर सकेंगे। इसको रिचार्ज कैसे कर सकेंगे, पैसा कहां से कटेगा, आपके पास सिर्फ एटीएम कार्ड होना चाहिए। ठीक है, एटीएम कार्ड हो तो आपको कोई लंबा अकाउंट नहीं बनाना है, बड़ी ही छोटी सी प्रोसेस है, वो आपको दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बताते हैं रिचार्ज कैसे करना है। अभी आपने देख लिया है कि जो है रिचार्ज के बाद जो है आपको कैशबैक कैसे मिलता है। ठीक है, वो मैंने आपको अभी बता दिया है और इसके बारे में पहले बता चुका हूं। यदि आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है, फोन पे आपने देख के ही समझ गए होंगे। आप ये मत कहिएगा कि इसके बारे में पहले से पता है, मुझे नहीं पता था भैया, मेरे सब्सक्राइबरों को नहीं पता था, तो मैं उनको बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होशियार होते हैं, वो कहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल बकवास बंद करते हैं और अभी आपको दिखाते हैं किस तरीके से रिचार्ज करना है। तो यहां पर हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर और यहां पर हमें कर लेना है फोन पे डाउनलोड। ठीक है, यदि आपने कर लिया है तो अच्छी बात है। इसको हम करते हैं ओपन। ये हम जरा शुरू से इसलिए बता रहे हैं प्रोसेस की, कई लोग जो नए हैं एकदम, उनको कैसे करना है। ठीक है, तो फोन पे इंस्टॉल कर लेने के बाद वहां यहां पर आप एक अकाउंट बना सकते हैं। इस तरीके का जो है फोल्डर आ जाएगा, जहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर, फुल नेम और एक कोई सा भी 4 अंक का सिर्फ आपको पासवर्ड बना लेना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इतनी सी प्रोसेस है बस, और कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ये 4 अंक का पासवर्ड बनाने के बाद नीचे जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है वो ग्रीन हो जाएगा, तो उसको आप क्रिएट कर लीजिएगा, तो आपका अकाउंट बन गया, कुछ नहीं होना है। ठीक है, यदि आपको जब भी आप इसको ओपन करें, यदि आपको इस तरीके का ऑप्शन आए, ये होता है लॉगिन करने के लिए। हो सकता है आपने पहले कभी जो है बना लिया हो फोन पे अकाउंट, तो आपको इस तरीके का ओपन आएगा। तो नीचे रजिस्टर्ड पे आकर के आप क्लिक करेंगे तो फिर इस तरीके का ऑप्शन जो है आ जाएगा। तो यहां पर मैं मोबाइल नंबर वगैरह सारा डिटेल भरने के बाद कंटिन्यू कर देता हूं, उसके बाद हम इस तरीके से जो है पेज हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो आपको ऑप्शन दिख जाएगा नीचे, जब हमें रिचार्ज करना होता है फोन रिचार्ज के लिए, आप डीटीएच वगैरह कुछ भी रिचार्ज कर सकते हैं, इस पर सब में मिलता है। ठीक है, कैशबैक। तो हम फोन रिचार्ज पे आते हैं तो यहां पर हमें अपना नंबर शो हो जाता है। ठीक है, तो यहां से आप नंबर चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जो चेंज का ऑप्शन दिख रहा है यहां से आप क्लिक करके और आप यहां चेंज कर सकते हैं। यदि आपको नंबर नया टाइप करना है तो आप ऊपर जो दिख रहा है नंबर ऑफ नेम भीम यूपीआई, यहां पर आप सबसे ऊपर टाइप कर सकते हैं अपना नंबर। ठीक है, तो यहां पर वो नंबर आ जाएगा। नीचे आ जाता है एंटर अमाउंट, तो आपको जितने भी रुपए का रिचार्ज करना है वो आप यहाँ पर जो है डाल सकते हैं। मैं फिलहाल 10 रुपए का रिचार्ज करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 10 रुपये इसको ऐड कर दिया है।
ठीक है, ये जो है मैंने वीडियो पहले बनाया था, इसका मुझे कैशबैक पहले मिल चुका था, मैं इसमें नहीं दिखा सकता हूँ, नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आप एक बार इसको यूज करेंगे तो आपको जो है जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं डेबिट कार्ड से इसको, आपको जो बीच में ऑप्शन मिल जाएगा डेबिट कार्ड, ठीक है, तो डेबिट कार्ड पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एंटर योर कार्ड नंबर, तो 16 अंक का आपके एटीएम पर एक नंबर लिखा होता है वो आपको यहाँ पर भरना है। नीचे एक्सपायरी डेट और मंथ भरना है। यहाँ पर सीवीवी, आपके एटीएम पर सीवीवी 3 अंक दिए होंगे आपको, वो यहाँ पर फिल कर देने हैं, ठीक है। और एक्सपायर, जो एक्सपायर है कार्ड की डेट, वो आपको वहां पर भर देनी है, ठीक है। बस इतनी सी डिटेल भरने के बाद रिचार्ज पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही रिचार्ज पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एटीएम से या बैंक से जो मोबाइल एड है यानी कि रजिस्टर्ड है, उस पर एक ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना, आपका रिचार्ज हो गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ओटीपी आ गया, तो मैं ओटीपी यहाँ पर डाल देता हूँ तो मेरा रिचार्ज हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, जो आपको कैशबैक मिलेगा उसको क्या करना है। उसको कैशबैक आप जब भी आगे कभी उसको रिचार्ज करेंगे, यानी कि आगे जब भी आप रिचार्ज करेंगे, जैसे मान लीजिए अभी आपको मिला, मान लीजिए मैंने 10 रुपए का जो है रिचार्ज कराया, ठीक है, तो मुझे मान लीजिए 3 रुपया कैशबैक मिल गया है, या 100 रुपए का कराया तो मुझे लगभग 10 रुपए या 20 रुपए कैशबैक मिल गया। तो जब भी मैं आगे रिचार्ज करूंगा फिर 100 रुपए का, तो मैं टाइप तो करूंगा 100 रुपए, लेकिन ऑटोमेटिकली मेरे बैंक से कटेंगे सिर्फ 70 रुपए, 30 रुपए वहां पर ऐड हो जाएंगे। वो हमें फिर भरना नहीं होता, हम तो 100 रुपए का ही करेंगे, लेकिन वो हमारा पैसा वॉलेट से काट लिया, काट करके जो हमें कैशबैक मिलता है वो हमें वहां पर जोड़ करके और जो है रिचार्ज कर देता है। तो जो कुछ मिलता है वही बहुत है, भगे भूत की लगोटी बहुत है, जितना मिलता है उतना सही। कम से कम रिचार्ज करने पे हमें कुछ मिल तो रहा है, और घर बैठे रिचार्ज कर रहे हैं आप, जो है दोस्त वगैरह किसी का भी रिचार्ज कर दीजिए, अरे जो कुछ मिल रहा है वो बहुत है, 10 रुपए 20 रुपए कैशबैक तो इस तरीके से मिलता है। मुझे तो फिलहाल पता नहीं था, जब मैंने इसको यूज किया तो मुझे पता चला, ठीक है। तो यही थी फ्रेंड इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस बेल आइकन की घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच।